1 2 3। वाह। सो गाइज उसके बाद ना ये कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स दिख जाते हैं। ओप्रो 13 में ना 24 मंथ वारंटी है इंडिया में। अब जो बैटरी है ना वो 1900 mAh की बैटरी है ना, ये इजी टू रिमूव इट है एंड इजी टू फिक्स इट है। तो गाइस जैसे ही आप मतलब इसमें लॉग इन करेंगे, और मेरे को तो अपने फ़ोन की शायद क्वालिटी इससे फीकी लग रही है, मतलब SD कार्ड है ये रहा, और इसको अब हम कर रहे हैं इंसर्ट। सो हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग माई चैनल। सो गाइज थंबनेल और टाइटल देख के तो आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ ही गए होंगे कि आज होने वाली है अनबॉक्सिंग। मतलब मेरे 1.5 से 2 साल का ये सबर रहा है उस प्रोडक्ट का जो मैं शुरू में ही लेना चाह रहा था, बट ये मैं अब लेके आया हूँ। अब तो नहीं लाया, अब तो खैर नवंबर चल रहा है, मैं ले आया था इसे धनतेरस पे। बट गाइज धनतेरस से अब तक टाइम नहीं मिला, केदारनाथ चले गए धनतेरस पे तुरंत दिवाली पे, फिर वहाँ से थके, मतलब ऑफिस का वर्कलोड हो गया थोड़ा, तो आज जाके आखिर मतलब मेरे को 13 नवंबर को मेरे को आज टाइम मिला इसको अनबॉक्स करने का। ये सेम ऐसे ही एज इट इज़ जैसे धनतेरस पे आया था वैसे ही रख दिया था। सो गाइज मतलब बहुत डिटेल में रहने वाली है ये वीडियो, पूरी मतलब नॉलेज रहेगी पूरी अनबॉक्सिंग GoPro 13 की। तो मेरा बहुत दिन से ही प्लान था कि हाँ GoPro 13 लेंगे। मतलब बहुत बातें हो गई और अब हम दिखाते हैं अपना GoPro 13 को, जो कि बहुत ही मिन्नत से आया है ये मेरे पास। और इसके सारे मतलब जो जो इसमें फ़ीचर होने वाले हैं, जो जो मतलब इसके अंदर क्या क्या इसके इक्विपमेंट्स निकलेंगे, क्या क्या मतलब इसके सब कुछ मतलब किट के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्या क्या डिटेल है, पूरा आपको इस वीडियो में डिटेल में हर एक चीज़ पता पड़ने वाली है। और होप्स हो कि आप सभी को इस वीडियो को मतलब देख के थोड़ी सी नॉलेज भी मिलेगी। और जो भी कोई भाई मतलब इस समय GoPro आएंगे, 14 भी आएंगे, 15 भी आएंगे, बट ये है ना 13 का अभी जो करंट में है वो एकदम बेस्ट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट कर देते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, और आइए आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए मेरे GoPro 13 की अनबॉक्सिंग का। धनतेरस पे हमें ये क्रोमा की तरफ से एक बैग भी मिला था, और अब कर देते हैं बैग को और एनवलप को साइड। और गाइज ना मैं आप सभी को बता दूँ ना, इस GoPro में ना 3 वर्जन आते हैं। सबसे पहला आता है नॉर्मल, जो कि मतलब बस उसमें खाली GoPro होता है, एक ट्रेसी आती है जैसे अंडे की या कोई भी आप देखते हैं फ़ोन की आती है, सेम वैसे ही आती है। और एक आता है एसेसरीज़ बंडल, और एक आता है क्रिएटर। तो मैंने लिया है अभी एसेसरीज़ बंडल, क्योंकि यही यूज़फुल है। क्रिएटर वाला इतना नहीं है, उसमें 15,000 रुपये एक्स्ट्रा भी हैं, और मतलब मेरे को उसका कुछ यूज़ नहीं लगा मेरे को। बाकी अगर आप में से किसी को उसका यूज़ लगता है या कुछ रिक्वायरमेंट लगती है तो आप ले सकते हैं। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं सारे फीचर्स। तो जो नॉर्मल वाला है ना वो गाइज अराउंड 45,000 के समथिंग आ जाएगा, बट दिवाली ऑफ़र पर मेरे को यही 45 के अराउंड मिल गया है। सो गाइज इस बार ना GoPro 13 में ना 24 मंथ वारंटी है इंडिया में, मतलब इंडिया के लिए। और ना गाइज इस बार ना लेंस भी इंक्लूड किए गए हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड, मैक्रो एंड मतलब आप पूरी ना मूवी शूट कर सकते हो, जो मूवी होती है ना बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, मतलब सब कुछ इसी से एक GoPro से शूट कर सकते हो। बट इसकी ना एडिशनली एक किट लेनी पड़ती है लेंसेज की, जो कि अभी GoPro की कंपनी ने ही अभी ये लॉन्च नहीं किए हैं, एक ही आया है इसमें से, तो वो बाद का पार्ट है। बाकी आप देख सकते, हाँ ये हैं वो लेंसेज। सो गाइस जो प्लेन वाला था ना जिसमें खाली GoPro GoPro है, वो इसीलिए नहीं लिया ना क्योंकि उसमें एक बैटरी और खाली GoPro, ना केस आ रहा है, ना हैंडल आ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं था। इसमें क्या है ना, हमें SD कार्ड भी मिल गया एक 64 GB का, विद एक बैटरी एक्स्ट्रा मिल गई। अगर मैं बैटरी अगर लेने जाता हूँ तो 2000 की आएगी। We'll be right back.
सो गाइज, मतलब जो GoPro की कंपनी सील थी वो तो ब्रेक कर दी है, एंड जो इसका बॉक्स है वो उसको कर देते हैं अलग। और ये रहा गाइज इसका मतलब मेन जो केस है, असल में ना जो बंडल लेने का जो हमारा मकसद था ना, ये रहा एसेसरीज बंडल, वो इसीलिए लिया था ताकि उसमें ये केस आ जाए, SD कार्ड आ जाए, और क्या क्या एक्स्ट्रा होगा वो सब मैं आपको अब आगे दिखाता हूँ वीडियो में, अनबॉक्सिंग में। तो फटाफट करते हैं अनबॉक्सिंग। वन टू थ्री, वाह। सो गाइज, बॉक्स तो जो केस है GoPro का वो तो हमने ओपन कर लिया है, और इसमें अब क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं मैं आप सभी को दिखाता हूँ। सबसे पहले मिल जाता है देखिए हमें मतलब हैंडल, जो कि बहुत ही मतलब GoPro को जो एक बढ़िया ग्रिप के साथ, इसमें फॉर्म भी लगी हुई है ये रही। और ये सिर्फ बंडल में ही मिलेगा, जो जो मतलब बंडल में मिलेगा ना वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। तो इसको देखो व्रिस्ट में ऐसे ये मतलब लॉक हो जाता है, और आप ऐसे पकड़ के ऐसे व्लॉगिंग कर सकते हैं ये रहा। तो इससे इजीली ये है कि अगर आपके हाथ से झटका भी लगा ये गिर गया तो ऐसे ही लटक जाएगा GoPro, कोई आपसे पता ही आपको मार्केट में स्नेचिंग का ये सब क्या चल रहा है, तो कोई छीन के भग रहा है तो भी यहीं फंस जाएगा। तो मतलब बहुत सेफ्टी पर्पज़ से कंपनी ने ये बहुत अच्छा हैंडल दिया है, जो कि एसेसरीज बंडल में आता है। उसके बाद गाइज हमें मिल जाता है ये माउंट, ये होता है माउंट जिस पर GoPro यहाँ सेट होता है, ये वो है माउंट। और ये यहाँ ना हमारे इस हैंडल में सेट हो जाएगा ऐसे, ये रहा गाइस। ये गाइस इस रबड़ को हम यहाँ से अप करेंगे ऐसे, एंड देन ये यहाँ प्रेस होगा थोड़ा सा, और ये लॉक, ये हो गया गाइस लॉक। जो माउंट है ना वो हमारे हैंडल पे एकदम सेट हो चुका है, बस अब इस पर GoPro लगाना होगा और ये स्क्रू इसके टाइट करने होंगे। सो गाइस हैंडल और माउंट का तो हो गया क्लियर, एंड देन अब बात आ जाती है बैटरीज की, टू बैटरीज। सो गाइस इस बार ना GoPro ने क्या किया है, GoPro 13 में जो बैटरी लगेंगी वो आपकी किसी और GoPro में नहीं लगेंगी, या किसी और GoPro की GoPro 13 में बैटरी नहीं, क्योंकि बैटरी साइज जो है वो चेंज कर दिया गया है, और mAh भी बढ़ा दिया गया है। जो 11 और 12 में था ना वो गाइस 1780 mAh की बैटरी थी, अब जो बैटरी है ना वो 1900 mAh की बैटरी है। तो बंडल में हमें क्या बेनिफिट हुआ है, अगर हम नॉर्मल वाला GoPro लेते तो उसमें एक ही बैटरी आती, बंडल में क्या हुआ है हमें दो बैटरियाँ मिल गई हैं। और अगर आप व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग या कुछ भी मतलब GoPro को यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपको बैटरी की ना मस्ट नीड है यार, मस्ट एकदम। एक बैटरी आपकी एक घंटा ये लोग बताते हैं पर इतनी चलती नहीं है। सो गाइज बैटरी तो ये रही दो, तो अब बैटरी का भी मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी अभी चेक करेंगे चला के। एंड और हमें मिल जाता है इसमें यूज़र मैनुअल भी मिलता है, जो कि हमें ना बहुत बेनिफिशियल है, डॉक्यूमेंट्स सीख जाते हैं जो कि हमें मतलब GoPro का जो भी यूज़ है उसके लिए है। ये स्टिकर मिल जाते हैं वाइट, ब्लैक, ब्लू और पिंक, इसे मतलब हम कहीं भी अपने GoPro के बंडल बॉक्स पे लगा सकते हैं। एंड ये भी यूज़र मैनुअल है ये तो पूरा, मतलब कैसे कैसे क्या सब कुछ है, इनको सबको बाद में देखते हैं। देखो गाइज ये है मतलब बंडल का लेने का फ़ायदा, उसमें 64 GB का SD कार्ड भी फ्री है, जो कि नाना करते हुए 1200-1200 रुपये का कम से कम होगा गाइज। एंड यू कैमरा मस्ट बी अपडेट बिफोर यू कैन यूज़ इट। तो गाइज ये ना क्विक एक ऐप है जो कि हमें फ़ोन में भी इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ से। सो गाइज मतलब इसको ना एप्पल स्टोर से या मतलब गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो होगा क्या, वो मैं आगे बताता हूँ। पूरा जो आपका GoPro का एक्सेस है ना वो आपके फ़ोन में आ जाएगा, आप ट्रांसफ़र बहुत इजीली कर सकते हैं, आप चार्जिंग मतलब अपडेट हर एक चीज़ आप इजीली कर सकते हैं। एंड देन ये यूज़र बताया गया हुआ है, बैटरी कैसे लगेगी, SD कार्ड, चार्जिंग
एंड देन यूज़, मतलब सब कुछ है, तो ये सब की शायद यूज़ ना हो क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वहाँ से नॉलेज है। ये हमारा वारंटी कार्ड है एंड अब जो आता है ना ये साइड में आता है कुछ बना हुआ सा, इसको देखते हैं ये क्या है। ओ सो गाइज ये भी देखिए, हमें ना दो ये मिल जाते हैं जो कि माउंटी हैं, आप कार में या बाइक के हेलमेट पर ऐसे इसे इस तरह से जैसे ऐसे चिपका सकते हैं और फिर यहाँ आपका ये आपका माउंट ऐसे फंस जाता है और यहाँ फिर आपका गोप्रो वर्क करता है। तो वो सब भी मतलब अभी तो यूज़ नहीं है इनका, देखते हैं, इनको भी साइड रख देते हैं। अब जो गाइज मेन है वो यहाँ साइड में क्या आता है, ये आ जाती है गाइज आपकी सी टाइप केबल है दोनों तरफ, और इससे क्या है ना आप डेटा ट्रांसफ़र, चार्जिंग एंड मैनी मोर, जो भी मतलब जो भी हो इसमें यूज़ होंगे वो सब कर सकते हैं। एंड ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना माउंट का स्क्रू कसने का है, वो ये है गाइस, ये देखो ये रहा, गोप्रो यहाँ आएगा मैग्नेटिक इनके साथ एंड देन ये कस जाएगा। हेलमेट पे भी गाइस ऐसे ही फ्लो फिट होता है, ये हेलमेट के भी व्लॉग आएंगे मेरे, मतलब पूरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप का। सो गाइज मतलब सारी एसेसरीज तो मैंने आपको बता ही दिया, ये बंडल बंडल पे माउंट एंड माउंट पे ये स्क्रू यहाँ गोप्रो के अंदर लग के टाइट हो जाता है एंड देन ये 3M की टेप के साथ दो माउंट और हैं, हेलमेट कार या कहीं लगाना है वो, एंड देन इसके यूज़र मैनुअल, स्टिकर्स, टू बैटरी एंड सी टाइप केबल चार्ज। सो फाइनली जो लास्ट एकदम जो और जो मेन है ना वो है अब ये है गाइज अपना गोप्रो एंड GoPro 13। यू कैमरा मस्ट बी अपडेट बिफोर यू कैन यूज इट। सो अब हम इसकी ये जो वाइट कलर की जो चारों तरफ टेप लगी हुई है इसको हटाते हैं और GoPro के अंदर बैटरी इंसर्ट करके इसको ऑन करते हैं और आप सबको इसका मतलब क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या हैं, कैसे अपडेट होता है सब कुछ देते हैं और हम भी जानते हैं क्योंकि क्वेरिसिटी तो बहुत देर से है यार कि मतलब पता चले कि क्या है कैसे है। हम करते हैं अभी स्क्रीन का, वाओ तो फाइनली गाइज स्क्रीन एकदम ओके है एंड अब इसके साइड वाला कवर को ओपन करते हैं, सॉरी साइड नहीं अभी बैक स्क्रीन को ओपन करते हैं। गोप्रो में टू स्क्रीन होती है, फ्रंट एंड रेयर, ये रही। एंड अब हम कर लेते हैं कैमरे को, और इस मतलब हमने सारी जो स्टिकर थे जितने भी स्क्रीन पे, कैमरा पे, पूरी बॉडी पे वो सब रिमूव कर दिए हैं और जितना मैं मतलब इसको स्मूथली देख पा रहा हूँ एकदम फिनिशिंग के साथ बहुत बढ़िया 12 से मतलब ग्रिप पकड़ने में ना एकदम अलग ही फील आ रहा है। और जो मैं इसके फीचर्स की बात करूँ तो आपको सबसे पहले ही 13 ब्लैक, GoPro 13 ब्लैक की बैचिंग दिख जाती है एंड जस्ट उसी के नीचे पावर का बटन दिख जाता है मोड का, इसी से आप ऑफ और ऑन करेंगे एंड देन एक इसमें बटन और दिखता है जो कि है ऊपर की साइड, ये क्या है आपकी वीडियो को पॉज, स्टॉप और स्टार्ट, तीनों काम यहाँ से होंगे। एंड साइड में आपको मिल जाता है बैटरी का, बैटरी इंसर्ट होगी एंड SD कार्ड इधर से इंसर्ट होगा और ये मिल जाता है हमारा एक प्यारा सा कैमरा विद लेंस। अगर हमें ये लूज़ करके थोड़ा सा ऊपर आगे पीछे नीचे एंगल सेट करना है तो हम ये रहा ये कर सकते हैं एंड देन ये रहा, ऐसे हम व्लॉगिंग शूटिंग ये रहा ये कर सकते हैं। अब हमें सामने का दिखाना है ये रहा, तो अब हम फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए इसमें बैटरी एंड SD कार्ड को इंसर्ट करके इसको जल्दी से चेक कर लेते हैं और वीडियो को जल्दी से अपना फिनिश करते हैं। सो गाइज आपको बैटरी और SD कार्ड के लिए यही मतलब स्लॉट ओपन करना पड़ेगा। इस स्लॉट के लिए क्या होगा, आपको थोड़ा सा आगे प्रेस करना है, जैसे कि ये रहा अंगूठे से मैं कर देता हूँ आगे एंड देन ऊपर को करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। एक बैटरी एंड इधर SD कार्ड दोनों डालते हैं एंड देन देख सकते हैं आप यहाँ चार्जिंग केस भी है ये रहा,
और ये शायद इजी टू रिमूव भी है, ये शायद आउट भी हो जाता है, तो वो बाद में देखते हैं। फिलहाल अभी अपन एक बैटरी डाल लेते हैं इसमें, ये रही, और गोप्रो को फटाफट करते हैं ऑन। बैटरी अंदर हमने इंसर्ट कर दी है, मतलब एसडी कार्ड है ये रहा, और इसको अब हम कर रहे हैं इंसर्ट। एसडी कार्ड लग चुका है, एंड देन अभी से कर देते हैं हम लॉक, और शंकर भगवान का नाम लेके करते हैं गोप्रो को ऑन, और गोप्रो हो गया गाइस ऑन, ये रहा। ये देख सकते हैं आप, ये ऑन होते ही यहाँ बैचिंग दिखा रहा है 13 ब्लैक गोप्रो। तो और अभी ना गाइज, ये फर्स्ट बार ऑन हुआ है ना, तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स करनी होंगी, तो करते हैं आप सभी के साथ, आइए। सो गाइज, उसके बाद हम अपनी लैंग्वेज को सेट कर लेते हैं इंग्लिश, एंड सब जो टर्म एंड कंडीशन है उनको एग्री कर लेते हैं, जीपीएस ऑन कर लेते हैं। अब ये जो हमें जो स्कैनर और जो मतलब स्क्रीन पे जो विजिबल विजिबल हो रहा है वो ये है कि आपको ना ये क्विक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उससे ये फ़ोन कनेक्ट होगा। सो गाइज, जिसके लिए मैंने पहले ही अपने आईफोन में क्यू गोप्रो क्विक के नाम से है वो ऐप डाउनलोड कर लिया, उसे ओपन कर लेते हैं एंड इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब ना हम पेयरिंग कर रहा है, इससे कनेक्ट हो रहा है पेयर, ये देखिए गाइस ये कनेक्ट होने वाला है। नेम भी चेंज कर सकते हैं अपने गोप्रो का, तो जो मेरे चैनल का नाम है मैं वो लिख लेता हूँ, मुसाफिर आदमी, और इसको हम सेव कर देते हैं, और इसी नाम से अब ये हम सेव हो जाएगा, न्यू नेम सेव। ओ मुसाफिर आदमी, योर हीरो इज रेडी। सो गाइस, देख सकते हैं ना इसमें बहुत सारे मोड हैं, ये रहा फोटोज का भी है, फोटोज में भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है, ये सुपर फोटो, तो फोटोज के पर्पस से तो नहीं लिया अपन ने, वीडियो के पर्पस से लिया है, एंड ये साइड में टाइम लैप से। सो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट, ये रहा गाइस, ये ना वीडियो देखिए बनने लगी, एंड देखिए ये फ़ोन में भी मतलब रिकॉर्ड हो रही है, ताऊ व्यू मीडिया पे फर्स्ट टाइम हुआ है ना। हाँ देखो आ गई है ये री वीडियो, ये अब मैं चलाता हूँ। सो गाइस, मतलब जो गोप्रो का माइक है वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ ऐसा ही है कि आवाज़ थोड़ी बेकार है या क्या, एकदम फर्स्ट क्लास है, आप देख सकते हैं। ये है मतलब मेरे को तो अपने फ़ोन की शायद क्वालिटी इससे फीकी लग रही है गोप्रो के आगे। फाइनली गाइज, मतलब गोप्रो की अनबॉक्सिंग हो गई है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है जो ऐप से वीडियो ट्रांसफरिंग का है वो भी अच्छा है। पहले क्या होता था, चिप लैपटॉप में लगाओ जब कनेक्टिविटी मतलब बहुत इशू था, अब एकदम बढ़िया हो गया है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि हाँ मतलब एक जब इस हैंडल को हाथ में लेते हैं ना गाइस इसको, तो ऐसा फील होता है कि हाँ मतलब बढ़िया, मतलब अब व्लॉगिंग जो सेटअप होगा ना वो फ़ोन ऐसे नहीं पकड़ना पड़ेगा घुमा के फिर घुमा के दूसरी तरफ ये वो, तो अपना ऐसे लगाओ, हेलमेट पे लगाओ, मोटो व्लॉगिंग करो, तो मतलब सब बढ़िया है। और होप सो कि आप सबको इन्जॉय आया होगा, पूरी डिटेल में मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है गोप्रो 13 की अनबॉक्सिंग की, और अब कल से स्टार्ट हो जाएगी गाइस गोप्रो से ही सारी व्लॉगिंग। सो इस वीडियो को करते हैं इसे समाप्त, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर दबा के करें। हर हर महादेव।